से आपके दर्शनों के लिए यूपी आश्रम में पहुंच चुके हैं। मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे। आशीर्वाद बेटा। बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने वाले किसी शख्स को क्या कोई सभ्य समाज स्वीकार कर सकता है? शायद नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग बलात्कारियों को फांसी देने की मांग नहीं करते। लेकिन यही बलात्कारी जब राम रहीम हो तो इस घिनौनी वारदात के बावजूद आस्था के अंधे लोग उसे पूजना नहीं छोड़ेंगे। और ये बात एक बार फिर साबित हो गई जब पैरोल पर जेल से बाहर आया बलात्कारी राम रहीम धड़ल्ले से सत्संग कर रहा है और उस सत्संग में राम रहीम के भक्तों के साथ साथ बीजेपी नेता भी जा रहे हैं और बलात्कारी राम रहीम का प्रवचन सुन रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है क्योंकि एक तरफ जहां पंचायत चुनाव होने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच बलात्कार का दोषी राम रहीम 40 दिन की पैरोल लेकर जेल से बाहर घूम रहा है और मजे से सत्संग कर रहा है। हरियाणा की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखने वाला राम रहीम जेल से बाहर आया तो सूबे की सियासत भी गर्मा गई, क्योंकि राम रहीम खुद चुनाव तो नहीं लड़ रहा है लेकिन कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव को लेकर कई गुरमीत राम रहीम के सत्संग में पहुंचकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और इन नेताओं में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता भी हैं, जो बलात्कारी राम रहीम को पिताजी कहकर उससे आशीर्वाद मांग रही। ऑनलाइन सत्संग में शामिल हुई बीजेपी की महिला नेता और मेयर रेणु बाला गुप्ता ने राम रहीम से साक्षात्कार होते ही कहा कि पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे, आपके स्वच्छता के संदेश से करनाल आगे बढ़ा है, आप करनाल के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हाँ जी, ये करनाल से लिख के आया है, मेयर रेणु बाला वो जी आ गए हैं तो अगर पॉसिबल है वो बात करनी चाहते हैं तो कर सकते हैं बेटा। हाँ करनाल वालों, गुरु तेरा यात्रा आ गई आवाज आ गई। पिताजी मेयर रेणु बाला गुप्ता करनाल से अभी बात कर रहे हैं जी। हाँ बेटा करवाइए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा, बहुत स्वागत बेटा जी। पिताजी आपका आशीर्वाद बना रहे जी बेटा। और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है और आगे भी आप आकर करनाल को आगे बढ़ाएं जी। स्वच्छता का जो संदेश देंगे फिर से। हाँ सबको आशीर्वाद दें जी बेटा। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद बेटा। आप सब जुम्मेवार अपने पूरे देश को चमकाएं बेटा, पूरा आगे लेके जाएं, भगवान से प्रार्थना है बेटा और मालिक सबको ताकत दे, हिम्मत दे। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी, स्वागत आपका सबका। बलात्कार के दोषी राम रहीम से आशीर्वाद मांग रही बीजेपी नेता रेणु बाला गुप्ता की ये वीडियो जल्द ही मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर छा गई और लोग रेणु बाला गुप्ता के साथ साथ बीजेपी को भी कोसने में जुट गए। अल्ताफ अंसारी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम से आशीर्वाद लेती भाजपा की करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता, राम रहीम को पिताजी बोला, भाजपा हमेशा बलात्कारियों के साथ क्यों खड़ी रहती है। कांग्रेस समर्थक अनुमा आचार्य ने लिखा, बलात्कार का दोषी राम रहीम पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आया है, करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता को आशीर्वाद दे रहा है जो बीजेपी से है। हरियाणा पंचायत चुनाव है, बलात्कारी से आशीर्वाद लेती भाजपा की मेयर। वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद खांडेकर ने भी वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बलात्कार का दोषी राम रहीम पैरोल पर 40 दिन के लिए बाहर आया है, करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता को आशीर्वाद दे रहा है, रेणु जी बीजेपी से। मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, बलात्कार के आरोपी बाबा राम रहीम से आशीर्वाद लेती भाजपा की करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता, कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा जब बलात्कारियों के आगे नतमस्तक होगी महिला। बाकुला सोलंकी नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बलात्कार के दोषी बाबा राम रहीम से आशीर्वाद लेती भाजपा की करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता, राम रहीम को पिताजी बोला,
अब अगर ऐसे लोग एक बलात्कारी को भाव देंगे तो बलात्कारियों की हिम्मत बढ़ेगी ही। जिस राम रहीम से बीजेपी की महिला नेता रेणु बाला गुप्ता आशीर्वाद ले रही हैं, वो सिरसा के अपने आश्रम में दो महिला अनुयायियों से बलात्कार करने का दोषी है और इस मामले में वो 20 साल की कैद की सजा काट रहा है। डेरा प्रमुख राम रहीम को पंचकुला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अगस्त 2017 में मामले में दोषी करार दिया था और पूर्व डेरा प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में अदालत ने उसको उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ऐसे राम रहीम से जब बीजेपी की महिला नेता आशीर्वाद लेने पहुंचेंगी तो फजीहत तो होनी ही थी। सोशल मीडिया पर लोगों ने रेणु बाला गुप्ता के साथ साथ बीजेपी की भी खूब फजीहत की, क्योंकि करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता का ताल्लुक बीजेपी से ही है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुकी हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में बलात्कार के दोषी राम रहीम से आशीर्वाद लेना रेणु बाला गुप्ता को भारी पड़ गया। बहरहाल जिस तरह से सबसे पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों को जेल से रिहा किया और अब रेणु बाला गुप्ता बलात्कार के दोषी राम रहीम से आशीर्वाद ले रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इसी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा था वो भी सुन लीजिए। प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता एकजुटता। इतने बड़े देश को उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। दोस्त, हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से हम सबकी पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम, श्रमिक का सम्मान ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कह बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारी व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं।